दोस्तों, हर इंसान की किस्मत उसके अपने हाथों में होती है। जिस तरह एक मूर्तिकार के हाथों में कच्चा माल होता है जिससे वो जो चाहे वो आकृति बना सकता है, अपने अकॉर्डिंग वो जो चाहे शेप दे सकता है, उसी तरह भगवान ने हम सबको कच्चा माल बनाया है। हमारे हाथों में है कि हम अपनी ज़िंदगी को और अपनी किस्मत को किस तरीके से शेप देते हैं। हमारे हाथों में होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को कितनी अच्छी बनाएंगे। एक जगह पर एक कमाल की बात लिखी थी कि ईश्वर कभी भी बेकार सामान नहीं बनाता। हम सब एक मूर्तिकार है, खुद को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। हमारी बॉडी और हमारा माइंड कच्चा माल है जो कि भगवान ने हमें दिया है, और इस कच्चे माल से हम जो चाहे वो बना सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। हम इस दुनिया में आए और इसका सही से यूज ही नहीं किया तो फिर क्या किया? कैसे यूज करोगे आप अपने माइंड के हाईएस्ट पोटेंशियल को? कैसे अपने डरों और अपने बहानों से ऊपर उठ पाओगे? कहां से आएगी इनफाइनाइट एनर्जी कुछ करने की? देखिए, अभी आपके जीवन का पहला लक्ष्य होना चाहिए अपनी जिंदगी का लक्ष्य ढूंढना, क्योंकि जिस दिन आपको अपना असली लक्ष्य मिल गया ना, उस दिन से आपकी एनर्जी अलग ही लेवल पर होगी। आपके माइंड को पहले से सब कुछ पता है, वो सब अपने आप कर लेगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, उससे क्वेश्चन करो कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मेरा जन्म क्यों हुआ है, क्या होना चाहिए मेरी जिंदगी का लक्ष्य। और भले इस चीज में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन आप मेरा यकीन मानिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। और जिस दिन आपको जवाब मिलेगा, जिस दिन आप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कमिटेड होंगे ना, हर कीमत चुकाने को तैयार होंगे, तब बदलाव आएगा और सबकी निगाहें आपकी तरफ होगी। दोस्तों, क्या हम सिर्फ इसलिए जन्मे हैं कि सुबह उठें, हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ भी पता ही नहीं है? खाना पीना, सोना, उठना, फोन चलाना, चिंता करना, टाइम वेस्ट करना और दिन खत्म, वही जो दुनिया कर रही है, वही काम जो हमें बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं, वही हम कर रहे हैं। दोस्तों, हम सब इंसान हैं और वेदों में लिखा है कि भगवान भी तरसते हैं इंसान बनने के लिए, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में और दुनिया में हमारा राज है, हम सबसे ऊपर हैं। जानवर में बल तो है लेकिन बुद्धि नहीं है, और उसी बुद्धि के बल पर हम सब पर राज कर रहे हैं। लेकिन बुद्धि होने के बावजूद भी आज इंसान जानवरों से भी नीचे गिर रहे हैं। हम पैदा हुए और अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक ही नहीं पहुंच पाए, अपनी क्षमता के करीब भी नहीं जा पाए, तो हमारा जन्म लेना कभी सफल नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।